नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में काफी मिथ्स फैले हुए हैं। लोगों के दिमाग में इस टॉपिक को लेके काफी सारे मिसकंसेप्शंस है और वो टॉपिक का नाम है स्पॉट रिडक्शन। दोस्तों स्पॉट रिडक्शन का मतलब होता है कि बॉडी की किसी खास जगह से फैट को कम किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों वैसे इस टॉपिक के बारे में काफी स्टडीज हो चुके हैं। ज्यादातर स्टडीज ने यही पाया है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। तो दोनों स्टडीज के बारे में हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है, और इक्का दुक्का स्टडीज जो हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है तो वो क्यों बताया जा रहा है, उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स है उसके आसपास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स है उसको आप एक लॉक की तरह समझ लीजिए, एक ऐसा लॉक जो स्पेसिफिक चाबी से ही खुलता है। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स है उसके आसपास ढेर सारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें से एक रिसेप्टर है LPL रिसेप्टर्स, मतलब कि लिपोप्रोटीन लाइपेज रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स है वो न्यूट्रिएंट को अंदर जाने से रोकते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सेल के अंदर जाने से रोकते हैं। अब ये जो लॉक है वो स्पेसिफिक चाबी से खुलेगा और वो स्पेसिफिक चाबी का काम यहां पे करता है इंसुलिन हार्मोन। तो जब भी इंसुलिन हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है तो ये LPL रिसेप्टर है वो न्यूट्रिएंट को अपने सेल्स के अंदर जाने देते हैं। अब दोस्तों बॉडी में जितनी ज्यादा मात्रा में ये LPL रिसेप्टर्स होंगे उतनी ज्यादा मात्रा में जो ये न्यूट्रिएंट है वो सेल के अंदर पहुंच पाएंगे, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो या ग्लूकोज हो। ज्यादा LPL रिसेप्टर्स होंगे तो ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो सेल के अंदर पहुंचेंगे, और जितने कम ये LPL रिसेप्टर्स होंगे उतने ही कम न्यूट्रिएंट जो है वो सेल के अंदर जा पाएंगे, और सेल के अंदर ये न्यूट्रिएंट जाके फिर प्रोसेस होके वो फैट के तौर पे स्टोर होते हैं, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, जिसमें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो LPL रिसेप्टर्स है वो वन वे रिसेप्टर्स है, मतलब कि वो सेल्स में फैट को स्टोर तो करवा देते हैं, न्यूट्रिएंट को सेल्स के अंदर भेज के फैट में कन्वर्ट करके वहां पे स्टोर तो करवा देते हैं, लेकिन अगर ये फैट को यूज करना हो तो उसके लिए फिर दूसरे रिसेप्टर्स काम करते हैं। ये दूसरे जो रिसेप्टर्स है उसको बोलते हैं HSL रिसेप्टर्स, जो कि सेल्स के ऊपर ही पाए जाते हैं। HSL रिसेप्टर्स का मतलब होता है हॉर्मोन सेंसिटिव लाइपेज रिसेप्टर्स। ये HSL रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि फैट को सेल्स के अंदर से बाहर भेजने का काम करता है ताकि वो एनर्जी के तौर पे यूज हो सके। अब देखिए ये भी एक लॉक है जो HSL रिसेप्टर है, जैसा हमने बात करी थी वहां पे LPL रिसेप्टर्स के बारे में। तो HSL रिसेप्टर्स को काम करने के लिए भी की चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो की मतलब की चाबी का वर्क करता है वो हॉर्मोन से एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन। तो ये जो हॉर्मोन्स है वो HSL रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करते हैं, तब जाके आपके बॉडी में जो सेल्स में फैट स्टोर हुई है वो एनर्जी के तौर पे यूज हो सकती है। तो यहां तक हमने एक बात समझी कि बॉडी में जितने ज्यादा LPL रिसेप्टर्स होंगे उतना फैट सेल्स के अंदर एंटर कर पाएगा, और जितने ज्यादा HSL रिसेप्टर्स होंगे उतना फैट सेल्स में से बाहर निकल के यूटिलाइज हो पाएगा। अब देखिए बॉडी में कुछ साइट्स ऐसी होती है जहां पे LPL रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं और HSL रिसेप्टर्स कम होते हैं, और कुछ साइट्स ऐसी होती है जहां पे HSL रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं और LPL रिसेप्टर्स जो है उसकी मात्रा कम पाई जाती है। अब देखिए जो मेल्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके जो एब्डोमिन एरिया है मतलब पेट के आसपास LPL रिसेप्टर्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप ज्यादातर देखोगे कि मेल में जो फैट जमा होती है वो एब्डोमिन एरिया के आसपास ही जमा होती है, और उससे उल्टा फीमेल्स में ज्यादातर फैट जो है वो उनके लोअर बॉडी मतलब कि हिप्स है, थाई के आसपास, बटक्स के आसपास और अपर लिम्स मतलब कि हाथ में जमा होती है, क्योंकि फीमेल्स में जो LPL रिसेप्टर्स है वो उनके लोअर बॉडी में ज्यादा होते हैं, हिप एरिया के आसपास ज्यादा होते हैं और अपर लिम्स में मतलब कि आर्म्स के आसपास ज्यादा होते हैं। और दोस्तों इसी स्टडी से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि बॉडी में कहाँ पे LPL रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे और कहाँ पे HSL रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये बाय बर्थ जेनेटिकली हमें मिलता है कि कौन सी जगह पे LPL रिसेप्टर्स ज्यादा है, मतलब कि कौन सी जगह पे फैट ज्यादा जमा होगा, और कौन सी जगह पे HSL रिसेप्टर ज्यादा है, मतलब कि किस जगह पे से फैट जो है वो ज्यादा अच्छे से मोबिलाइज हो पाएगा, ज्यादा
यूज हो पाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि स्पॉट रिडक्शन जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, बॉडी खुद डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पे से उसको फैट सबसे पहले कम करना है। और दोस्तों इसी से एक चीज और निकल के आती है कि फैट का जमा होना या उसका बर्न होना एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जिसको बोलते हैं फिलो प्रिंसिपल। फिलो प्रिंसिपल का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब कि बॉडी में सबसे पहले जहां पे फैट जमा हुई होगी वहीं से सबसे लास्ट में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेल्स में ज्यादातर एब्डोमिन और उनके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मतलब कि लव हैंडल्स के आसपास फैट जमा होती है और वहां पे सबसे पहले फैट जमा होती है, तो उसी जगह पे से सबसे लास्ट में फैट जो है वो निकलेगी। पूरे बॉडी में से फैट कम हो गया होगा, वेट लॉस भी अच्छा खासा हो गया होगा, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी बहुत फैट जो है वो एब्डोमिन एरिया के आसपास और लव हैंडल्स के आसपास अभी भी बची हुई है क्योंकि वहीं पे सबसे पहले फैट जमा होना शुरू हुआ था। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल के मुताबिक वहां से सबसे लास्ट में जो फैट है वो कम होगा। तो इसलिए गिव अप नहीं करना है, जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली उस जगह पे से भी फैट लॉस जो है वो आपको अचीव होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद। और उसी तरह से फीमेल्स में उनके आर्म्स के आसपास और उनके हिप एरिया के आसपास LPL रिसेप्टर्स ज्यादा होने की वजह से, HSL रिसेप्टर्स की मात्रा कम होने की वजह से वहां से जो फैट है उसको बर्न होने में टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंट रह के आपको वर्कआउट करना है, थोड़े टाइम के बाद डेफिनेटली आपको वहां से भी फैट बर्न जो है, फैट लॉस जो है वो दिखने लगेगा। तो देखिए स्पॉट रिडक्शन की जो बात है वो ऐसी बात हो गई कि आपको एक स्विमिंग पूल दिया गया है, वो स्विमिंग पूल में से आपको पानी निकालना है एक बाल्टी के जरिए, और वो बाल्टी के जरिए आपको बोला जाता है कि सिर्फ एक कोने में से ही पानी निकालना है। तो आप अच्छे से ये जानते हो कि पॉसिबल नहीं है, आप जब भी बाल्टी भर के पानी निकालोगे तो पूरे स्विमिंग पूल में से पानी कम होगा। सेम उसी तरह से आपके बॉडी में जब फैट लॉस होता है तो पूरे बॉडी में से वो फैट लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट में से ही आपका फैट बर्न होगा। और अब हम ये रीजन भी जानते हैं कि LPL और HSL रिसेप्टर्स जो है वो कौन से पार्ट में कितनी मात्रा में होंगे ये हम डिसाइड नहीं करते, इसलिए पूरे बॉडी में से जो फैट है वो बर्न होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, और कुछ स्टडीज में ये बताया गया है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, वो क्यों बताया गया है उसकी भी हम थोड़ी बहुत चर्चा आगे कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं, हाई इंटेंसिटी पे किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वर्कआउट करते हैं, तो उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में एक हार्मोन जनरेट होता है जिसको बोलते हैं MGF, मतलब कि मिकेनो ग्रोथ फैक्टर, जो कि IGF-1 की तरह ही काम करता है, मतलब कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की तरह ही काम करता है। ये जो हार्मोन है वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के दौरान बनता है और वर्किंग मसल्स के अंदर ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने हैवी लेग्स का वर्कआउट किया तो वो लेग्स के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर MGF जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि मिकेनो ग्रोथ फैक्टर हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इस हार्मोन की एक प्रॉपर्टी है कि वो लोकलाइज्ड इफेक्ट देता है फैट बर्निंग का, मतलब कि वो स्पेसिफिक पार्ट में फैट बर्निंग आपको जो है वो देता है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होता है कि उसका कोई भी रिजल्ट आपको विजिबली दिखेगा ही नहीं। वो बहुत कम मात्रा में जो इफेक्ट है वो होती है फैट बर्न की लोकलाइज्ड एरिया में, इसलिए वो जो रिजल्ट है वो आपको कभी भी दिखेंगे ही नहीं। तो इस स्टडी से भी हम एक्चुअली कंक्लूजन तो यही निकाल सकते हैं कि स्पॉट रिडक्शन आज की डेट में भी एक मिथ है, वो नहीं हो सकता है। जो हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है कि जिसको आप ना के बराबर भी बोल सकते हो। और साथ में जो MGF है वो लोकलाइज्ड मसल्स जो आपने यूज किए हैं, पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट आपने वर्कआउट किया है उसको रिपेयर करने में भी यूजफुल होता है, उसकी रिकवरी के लिए भी यूजफुल होता है। ये MGF का दूसरा फंक्शन है। अब दोस्तों वर्कआउट करने से क्या होता है कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, मतलब कि अपने बॉडी को स्ट्रेस में डालते हो, तो वो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए बॉडी कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं कैटेकोलामिन्स। ये कैटेकोलामिन्स है, उसके अंदर आते हैं एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, कॉर्टिजोल, ये सब जो हॉर्मोन्स है वो कैटेकोलामिन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये जो हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं कि बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, रैपिडली एनर्जी की जरूरत होती है, जल्दी जल्दी एनर्जी की जरूरत होती है, तब बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं। जब भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेस आता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी का हो या कोई भी ट्रॉमा हो,
तो बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन जब आती है, करो या मरो की सिचुएशन जब आती है बॉडी के ऊपर, तो फटाफट से जो है एनर्जी ये जो हॉर्मोन्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो ग्लूकोज के तौर पे प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये वर्कआउट करने के टाइम पे भी जो एनर्जी है, अगर आपका इंटेंसिटी ज्यादा होगा तब भी ये जो ग्लूकोज है ये हॉर्मोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, एनर्जी जो बॉडी को चाहिए प्रोवाइड करवाएंगे। और वर्कआउट खत्म होने के बाद आपने जो मसल्स में माइक्रोट्रोमा किया है, वेर एंड टेयर किया है, मसल्स को डैमेज किया है, उसकी रिकवरी के लिए भी बॉडी को जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करवाएंगे ये कैटेकोलामिन्स। अब देखिए, आपके बॉडी में वर्कआउट के बाद अगर प्रोटीन की मात्रा सही होगी, एमिनो एसिड्स पूरी मात्रा में जाएंगे, तो कैटेकोलामिन्स जो हॉर्मोन्स है वो फैट को एनर्जी के तौर पे यूज करेगा। और अगर आपके बॉडी में एमिनो एसिड्स की मात्रा, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा अगर कम होगी, तो आपका बॉडी जो है वो मसल्स को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी निकालना शुरू कर देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रोटीन जाना चाहिए। कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी, आप वो जाके भी चेक कर सकते हो। और सबसे पहली प्रायोरिटी अपने डाइट में से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने को दीजिए, उसके बाद जो कमी हो रही है उसको सप्लीमेंट से पूरा कीजिए। तो इसी से एक और पॉइंट निकल के आता है कि जब भी आप बड़े बॉडी पार्ट का वर्कआउट करते हो, जैसे कि लेग्स हो गया, बैक हो गया, ऐसे बड़े बॉडी पार्ट को जब आप वर्क करवाते हो, और उसमें भी अगर कंपाउंड मूवमेंट्स आप ज्यादा करते हो, तो आपके बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स है कैटेकोलामिन्स वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, और वो आपकी जो फैट है उसको ज्यादा मात्रा में एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो फैट बर्निंग का टारगेट है वो ज्यादा जल्दी अचीव हो पाएगा। अब देखिए, बॉडी में कहाँ पे HSL और LPL रिसेप्टर्स है वो इरिस्पेक्टिव है, मतलब कि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने मसल डैमेज जो है वो बड़ी मात्रा में किए हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए जो एनर्जी है वो भी ज्यादा चाहिए होगी, बशर्ते कि आपका जो डाइट है वो कैलोरिक डेफिसिट डाइट है, कि आप बॉडी को थोड़ी सी कैलोरीज कम दे रहे हो, तभी जो आपका बॉडी है वो स्टोर्ड फैट को एनर्जी के तौर पे यूज करेगा। तो ये पूरा वीडियो का छोटा सा कंक्लूजन ये है कि स्पॉट रिडक्शन आज की डेट में भी एक मिथ है, कि आप कितना भी क्रंचेस लगा लो, कितने भी सिटअप्स लगा लो, एक जगह से फैट कम नहीं होगी, और आपका जो एब्डोमिन है वो कंपेयर टू लेग्स एंड बैक छोटा मसल है, तो उसको स्ट्रोंग करने के लिए आप एब्स का वर्कआउट कर सकते हो, वीक में 2 या मैक्सिमम 3 बार करो, काफी है। रोज आप क्रंचेस या सिटअप्स, लेग रेजेस कुछ भी मार लो, वहां के मसल स्ट्रोंग होंगे लेकिन वहां से फैट कम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने जाना स्पॉट रिडक्शन हमारे हाथ में नहीं है। तो ये था आज के वीडियो का कंक्लूजन, कि आपको अगर पूरे बॉडी में से फैट कम करना हो, चाहे किसी भी पार्ट में से कम करना हो, उसके लिए आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी ज्यादा रखिए, कंपाउंड मूवमेंट्स करिए, बड़े बॉडी पार्ट के ऊपर ज्यादा वर्क कीजिए, थोड़ा सा कार्डियो डेफिनेटली ऐड कीजिए, क्योंकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी सही होना बहुत जरूरी है, और पेशेंस रखिए। आपको जिस भी बॉडी पार्ट से फैट लॉस करना है वहां से आप डेफिनेटली फैट लॉस अचीव करोगे। आप किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, मोटिवेट रहिए, थोड़ा सा बॉडी को टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपका जो बॉडी है वो चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।